और उधर केदारनाथ पैदल मार्ग पर बोल्डर आ गिरे हैं, इस वजह से मार्ग बाधित बताया जा रहा है। भीमबली के पास पहाड़ी से मलबा गिरा है, जिससे मार्ग को क्षतिग्रस्त करने की वजह से अभी फिलहाल एहतियात के तौर पर जवानों की तैनाती की गई है, आवाजाही रोक दी गई है। मॉनसून सीजन आने से पहले ही केदारनाथ पैदल मार्ग पर तीर्थ यात्रियों की दुश्वारियां बढ़ गई। भीमबली के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर पैदल मार्ग पर आ गिरे हैं, जिस वजह से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। इस वीडियो को देखिए, पैदल मार्ग पर कितने बड़े पत्थर आ गिरे हैं। जरा सोचिए, अगर कोई यात्री इनकी चपेट में आ जाता तो क्या होता। मलबा साफ करने में काफी समय लग गया, जिस वजह से पैदल मार्ग पर आवाजाही रुकी रही। पैदल मार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी मरम्मत शुरू कर दी गई है। इस जगह पर DDRF और NDRF के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित आवाजाही कराई जा सके। उधर घोड़े खच्चरों के लिए घास लेने गया एक शख्स पहाड़ी से गिरकर घायल हो गया, पुलिस और DDRF की टीम ने उसे रेस्क्यू किया। बताया ये जा रहा है कि टेमासी गांव का रहने वाला विनोद अपने घोड़ों के लिए घास काटने जंगल गया था, इसी दौरान वो पैर फिसल कर पहाड़ी से नीचे गिर गया। घायल ग्रामीण को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ABP गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। और देखिए, अब इसी खबर से जुड़ी हमारे सहयोगी रोहित डिमरी के पास ज्यादा जानकारी है, उन्हीं का रुख करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब रास्ता खुला है कि नहीं, और अब लोगों के लिए आवाजाही के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था है, कोई वैकल्पिक रूट है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो केदारनाथ का पैदल मार्ग है 18 किलोमीटर का, वह भीमबली से काफी खतरनाक है। और कह सकते हैं कि जब बरसाती सीजन शुरू होता है तो यहाँ पर लगातार ऊपर से पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं लगातार। ऐसे में यहाँ पर पुलिस प्रशासन, जो जिला प्रशासन है उसकी ओर से DDRF पुलिस की टीम अभी से तैनात कर दी गई है, जिससे जो बरसात सीजन में दिक्कतें पैदा न हो पाए। लेकिन कल की बात करेंगे हम, कल देर रात यहाँ पर भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिस कारण जो है तीर्थयात्रियों को यहाँ पर रोकना पड़ा। आज सुबह जब यहाँ पर मलबा हटाया गया, जो मार्ग क्षतिग्रस्त था उसे दुरुस्त करने की बड़े ही अभी कोशिशें की जा रही है, बल्कि मलबा हटाने के बाद एक एक करके यहाँ पे तीर्थयात्रियों को निकाला जा रहा है, तीर्थयात्रियों को संभल कर यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो कह सकते हैं कि आगामी दिनों में अभी भी स्थिति और खतरनाक होने वाली है, क्योंकि बरसाती सीजन शुरू होगा तो पैदल मार्ग की स्थिति और भयावह हो जाती है। और यहाँ पे जगह जगह कचरे उफान पे आते हैं, नालियां उफान पे आती है, जिस कारण तीर्थयात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। जी बिल्कुल रोहित, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बारिश के साथ रास्ते के खराब होने की संभावना भी जताई जा रही है। और उधर जोशीमठ की बात करें तो पीपलकोटी विष्णुगाट जल विद्युत परियोजना से निकलने वाले मलबे को अलकनंदा नदी में डाला जा रहा है। लोगों का कहना है कि HCC कंपनी निर्माण के दौरान निकाले जाने वाले जो मलबे की खेप है उसे नदी में डाला जा रहा है। ऐसे में लोगों को आशंका है इसका खामियाजा बरसात के मौसम में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बरसात के मौसम में अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे में आसपास के इलाकों में आपदा जैसी स्थिति बन सकती है। और उधर देहरादून में गढ़वाल आयुक्त कैंप कार्यालय के संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक हो रही है। इस बैठक में गढ़वाल कमिश्नर भी मौजूद हैं। परिवहन सेवाओं को लेकर के RTA की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि ऑटो टाटा मैजिक यूनियन से जुड़े लोग अपनी आपत्ति जताने के लिए भी पहुंचे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।